हनुमान जी की विजय गाथा का बखान करता रामचरितमानस का अध्याय सुंदरकांड अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। सुंदरकांड की इतनी महिमा है कि सुंदरकांड का पाठ घरों में अक्सर शुभ कार्यों से पहले किया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सुंदरकांड की इतनी महिमा आखिर क्यों है और क्यों इसका पाठ घरों में कराया जाता है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जीवन की कठिनाइयों से हर मनुष्य का रोज सामना होता है। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खोने लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या किया जाए। ऐसे में सुंदरकांड जो पढ़ता है या सुनता है उसे विपरीत हालातों में भी संघर्ष करने की शक्ति मिलती है और वो कभी हार नहीं मानता। रामचरितमानस के अंश सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह इसलिए भी दी जाती है क्योंकि ये कभी आपके विश्वास को टूटने नहीं देता। सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी या नहीं ये आपका प्रारब्ध है, लेकिन इसका पाठ करने वाले का आत्मबल और आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा इसकी जरूर गारंटी है। सुंदरकांड का पाठ करने वाला हनुमान जी की शरण लेने वाला शख्स कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, ये बात पक्की है। ज्योतिष शास्त्र भी सुंदरकांड का लोहा मानता है। सुंदरकांड के लगातार पाठ करने से आपकी कुंडली में मौजूद समस्त ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। ग्रहों की दशा और दिशा की वजह से आपको जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, सुंदरकांड के पाठ के बाद वो सारी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हनुमान जी की विजय गाथा को बताता सुंदरकांड व्यक्ति के हृदय में सोए पड़े साहस को जगाता है। परिस्थितियों से हार कर जो खुद को लाचार समझ बैठते हैं, वे भी इस चमत्कारी प्रसंग का पाठ करके अपनी खोई हुई इच्छा शक्ति और पौरुष पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आपको किसी तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस आप निश्चय करें कि इसे पढ़ना है। शुरुआत में इसे पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार आदत में आ जाने पर मात्र आधा घंटे में आप सुंदरकांड का पाठ कर पाएंगे। सुंदरकांड का आप अर्थ भी पढ़ सकते हैं और चौपाई और दोहे भी, लेकिन मूल रूप से सुंदरकांड चौपाई और दोहों में लिखा गया है, इसलिए कोशिश करें कि आप मूल स्वरूप में ही इसका पाठ कर सकें। गीता प्रेस का सुंदरकांड बाजार में आसानी से रियायती दर पर मौजूद है। मात्र 10 रुपए में गीता प्रेस की सुंदरकांड की पुस्तक मिल जाती है। इसके अलावा नेट पर भी PDF सुंदरकांड मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। वैसे तो सुंदरकांड कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन इसे पढ़ने का ज्यादा महत्व माना गया है। अब पुनः प्रश्न पर आते हैं कि घरों में सुंदरकांड क्यों किया जाता है। इसका जवाब ये है कि सुंदरकांड में बताया गया है कि किस प्रकार हनुमान तमाम कठिनाइयों को पार कर लंका पहुँचते हैं। वो लंका की अशोक वाटिका में जाते हैं, माता सीता से मिलते हैं, सीता को प्रभु श्री राम का संदेश देते हैं और फिर माता सीता का संदेश लेकर अपने प्रभु श्री राम के पास वापस लौटते हैं। वापस आने से पहले हनुमान रावण के अभिमान को भी चूर चूर कर देते हैं। इस वजह से सुंदरकांड की अद्भुत गाथा का गान करने वाले व्यक्ति को कभी निराशा नहीं घेरती। इसलिए शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ कराना चाहिए, लेकिन जब मन चिंता से घिरा हो तब सुंदरकांड का पाठ चमत्कारी लाभ देता है। इसलिए आप भी सुंदरकांड का आश्रय लें और जीवन की परेशानियों के बीच खुद को मजबूत बनाएं।